सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अजमेर ब्यावर की एकदम फेमस तिलपट्टी बनाने वाले हैं। तिलपट्टी बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगी कि पहली बार में ही आपकी तिलपट्टी एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको दोबारा कमेंट करके पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी और करारी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर एक पैन। पैन में हम लेंगे एक कप जितना सफेद तेल। हमने बिल्कुल सफेद वाला यहाँ पर तिल यूज किया है, जो कि हमारे तिलपट्टी में बनता है, वैसा वाला ही हमने तिल लिया है। अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। वैसे तो सभी को पता ही होगा कि तिल हमें कैसे रोस्ट करने हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, एकदम हल्का सा ही हम इसको रोस्ट करना है। सिर्फ इतना कि हल्के से तिल आपको लगेंगे कि फूले फूले जैसे नजर आने लगेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हल्की सी इसमें खुशबू जैसे ही आने लगे बस गैस की फ्लेम को आप बंद कर दें, या फिर हल्की सी चटकने की आवाज आएगी, बस इसमें से आप इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, लगभग एक दो मिनट हुए हैं मुझे और हमारे तिल अच्छे से भुन गए हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस हम गैस की फ्लेम को एकदम बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, हमने ले ली है दूसरी कढ़ाई। दूसरी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं उसी कप से नाप करके एक कप चीनी। तो जिस भी कप से आप तिल नापे ना, उसी कप से आप नाप लीजिएगा चीनी को भी, और उसी कप से आधा कप हमने ले लिया है पानी। और अब हम दोनों चीजों को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पर आपको ऑन रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग चाशनी बनाते हैं मीडियम हाई फ्लेम अगर हम कर देते हैं और फिर हम शुगर को मेल्ट होने देते हैं, तो क्या होता है, हाई फ्लेम पर जो पानी है ना वो भाप बन के उड़ जाता है, पानी फिर कम रह जाता है और चाशनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और परफेक्ट नहीं बन पाती। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक तो कंटिन्यूसली चलाना है इसको और फ्लेम को एकदम लो रखना है। यहाँ देखिए, जो हमारा चकला और बेलन है उसको भी हमें घी लगाना है, यानी कि जिस पर भी आपको अपनी तिलपट्टी को बेलना है उसको आप घी लगा दें, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लगाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको घी लगाना है। और थोड़ा सा घी हम अपने बेलन पे भी लगा देंगे ताकि एकदम चिपकने का हमें डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो पॉलिथीन लेकर उस पर घी लगा लें और उसको भी आप यूज कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, शुगर मेल्ट हो गई है, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए शुगर को मेल्ट किया था और अब हमें शुगर को और पकाना होगा। तो फ्लेम को अब हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं बनानी है। थोड़ी देर के बाद में देखिए, जो शुगर है वो हमारी कुछ इस तरीके की होगी, चारों तरफ से आपको थोड़ा जमा हुआ ही दिखाई देगा। इस वक्त हम इसमें डाल रहे हैं लगभग 1/4 टीस्पून जितना नींबू का रस, यानी कि नींबू पानी जो होता है, नींबू का रस होता है, वो हमने डाला है। इससे क्या होगा, क्रिस्टलाइज नहीं होगी, बहुत जल्दी नहीं जमेगी और हमें तिलपट्टी बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ देखिए, हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा, यानी आधा छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, जो मार्केट में मिलती है उसमें आती है, तो हमें ये फ्लेवर के लिए डाल दी है इसमें। यहाँ देखिए, चाशनी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है। यहाँ पर देखिए, अभी चाशनी का कलर थोड़ा सा आपको लगेगा गोल्डन गोल्डन जैसा। अब हम इसको चेक कर लेंगे। इस टाइम पर थोड़े से पानी में हमने चाशनी को डिप कर दिया है, इसको जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होने लगेगी, जैसे ये हल्की सी ठंडी हो जाती है, हम इसको बाहर निकालेंगे और तोड़कर देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये टूट रही है, इसमें से कड़क सी आवाज आनी चाहिए, बस इस तरीके की हमको इसको चाहिए। हम इसको इस तरह से तोड़कर देखेंगे, देखिए आसानी से टूट गई है, आवाज भी आ रही है। तो बस अब इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इस टाइम पर ऐड करेंगे हमारे तिल, जो हमने पहले भून करके तैयार किए थे ना, वो सारे तिल इसमें हम इस टाइम पर ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपको बंद कर देना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फ्लेम ऑन नहीं होनी चाहिए। साथ ही में थोड़े से पिस्ता की कतरन भी मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि मार्केट वाले में आती है ना थोड़ी थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, बस वैसे ही। अब हम पूरी चाशनी के साथ में तिल को अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल भी जल्दीबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम डालते के साथ में ये गाढ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आसानी से, यानी कि अच्छे से इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैं कितने आसानी से, कितने आराम आराम से कर रही हूँ, बिल्कुल भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में एकदम गाढ़ा ये हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए, सभी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप पॉलिथिन अगर आप यूज करें तो पॉलिथिन ले लीजिए, नहीं तो छोटे छोटे इसके आप गोले बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके के गोले बन जाएंगे। दो तीन मिनट के आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तभी इसके गोले बन जाएंगे। अगर आप पॉलिथिन से बना रहे हैं तो ठंडा होने के छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एकदम अच्छे से प्रेशर के साथ में आपको बनाना है, ये ध्यान रखना है, तभी हमारी जो तिलपट्टी वो पतली बनेगी। अगर आपने प्रेशर नहीं लगाया तो तिलपट्टी पतली नहीं बन पाएगी। तो आप चाहे तो किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं और अच्छे से टाइटली, अच्छे से दम लगाते हुए इसमें इसको प्रेस करते हुए हमें रोल करना है। शेप अगर गोल नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पॉलिथीन में रख के बनाते हैं तो गर्म गर्म आप बना लीजिएगा, तो आप हल्के प्रेशर के साथ में भी इसको बेल पाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने इसको इतना बड़ा ये बेल लिया है और बेलते के साथ में ये कड़क हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो एक दो मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, ऐसे ही कड़क हो जाएगी।
तो यहाँ देखिए हमने सारी ही तिलपट्टी बना ली है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी तिलपट्टी के ऊपर दूसरी तिलपट्टी रखें तो उसके बीच में आपको बटर पेपर लगाना है, जिससे कि वो चिपकेंगे नहीं, तो आपस में चिपक जाएंगे। आपने मार्केट में देखा है ना कि जब भी हम तिलपट्टी का पैकेट लाते हैं तो उसके बीच में बटर पेपर लगा हुआ होता है, वो इसीलिए है क्योंकि तिलपट्टी बहुत ही जल्दी आप आसानी से चिपक जाती है एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ मैं आपको तिलपट्टी तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। ये देखिए एकदम आसानी से टूट गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों, सच यकीन मानिए। इसके बाद आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से ये हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम बढ़िया वाली तिलपट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो पहले तिल को भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले एक कप जितना, कप और ग्राम का जो मेजरमेंट है इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक कप में कितना ग्राम होता है और कितने ग्राम में कितना कप होता है। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगभग 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। बस हमारा जो तिल है हल्का सा फूला हुआ नजर आ रहा है, खुशबू आ रही है, बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हमने पैन को दोबारा रख लिया है क्योंकि हम दो तरह की बर्फी बना रहे हैं, तो हमने 1.5 कप जितना तिल यहाँ पर दोबारा से ले लिया है। हम दोनों ही तिल को एक बार में रोस्ट करके रख सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए सेपरेट कर दिया था कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितना हमें तिल कौन सी रेसिपी के लिए चाहिए होगा। तो हमने एक बार 1 कप जितना तिल रोस्ट किया था और दूसरी बार में हम 1.5 कप जितना तिल ले रहे हैं, और दोनों को ही हमने मीडियम फ्लेम पर हल्का सा इनको रोस्ट कर लिया है। बहुत जल्दी कड़वे हो जाते हैं तिल, तो बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने ले लिया है एक मोल्ड, आप कोई भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लगा देंगे थोड़ा सा घी, फिर इसको हम इस तरह से बटर पेपर से, ये देखिए इस तरीके से हम बटर पेपर इसमें लगा देंगे, इससे हमारी बर्फी निकालने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि अगर बटर पेपर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इससे आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर बटर पेपर नहीं है तो आपको किस तरीके से लाइन करना है। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर को इस तरह से सेट कर दिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी ट्रे ले सकते हैं, और इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरी तरफ हमने लिए एक ट्रे, ट्रे में हमने डायरेक्ट घी को बस हल्का सा मेल्ट किया और घी को हमने ट्रे पर लगा दिया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से भी घी को लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, हमारे दोनों तरह के तिल को हमने रोस्ट कर लिया था, वो काफी अच्छे से ठंडे हो गए। आपको ध्यान रखना है तिल को पूरी तरह से ठंडा करना बहुत जरूरी है। अब दोनों ही तिल में से हम क्या करेंगे, 2-2 टेबल स्पून इनमें से हम निकाल लेंगे अलग अलग बोल में। मैंने 2 बोल ले लिए हैं, दोनों में से ही 2 टेबल स्पून हमने निकाल लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें से और 2 टेबल स्पून ही इस वाले में से। इसको हम बाद में यूज करेंगे, और जो बाकी के बचे हुए तिल है ना, इनको हम अलग अलग ग्राइंड कर लेते हैं। दोनों ही प्लेट्स के मैं अलग अलग ग्राइंड कर रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये देखिए हमने निकाल दिया, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमने तिल को ग्राइंड कर लिया है, और एकदम मतलब बहुत ज्यादा पाउडर भी नहीं बनाया, बिल्कुल कोर्सली सा है थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है, सबसे पहले हम देख रहे हैं बिना मिल्क पाउडर बिना मावा के हम कैसे बनाएंगे। तो हमने कढ़ाई में डाल दिया है 500 ml जितना हमने दूध ले लिया है। तो दूध आपके पास गाय का हो तो गाय का ले ले, भैंस का ले ले, फिर पॉलिथीन वाला कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने पॉलिथीन वाला ही लिया है। 1 लीटर दूध ले लिया है, दूध में जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना शुगर। तो जिस कप से या कटोरी से आपने मेजरमेंट किया था ना तिल का, उसी कप से या कटोरी से आप मेजरमेंट कर लें तो फिर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उसी कटोरी से नाप करके आप 1 कटोरी चीनी इसमें डाल दें, चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम ज्यादा की भी जा सकती है, वैसे ये परफेक्ट रहेगी। जैसे ही शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाती है, हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट या फिर कोकोनट पाउडर, जिसको बोलते हैं नारियल का बुरादा भी इसको कहा जाता है। वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास घर पे गोले रखे होते हैं ना, उनको आप या तो कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर आप उसको मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सी में चर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम लोग जो हमने तिल को अभी पीसा था ना, वो वाले तिल इसमें ऐड कर रहे हैं। जो साबुत तिल हमने निकाल के रखे थे वो अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, पिसे हुए तिल इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो ये अभी आप देखेंगे इसमें से छींटे पड़ने लगते हैं, तो हमको मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से कुक करना होगा। सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी चीजों को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को आप लो मीडियम रख लें, हाई अगर रखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली चलाना ही होगा, लो मीडियम फ्लेम पर आप इसको थोड़ा थोड़ा सा देर में छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से साइड से स्क्रैप करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। लगभग 3-4 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लगता है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम लोग डाल रहे हैं इलायची पाउडर, आप बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि तिल का नेचुरल फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह पर केसर का यूज भी कर सकते हैं, अगर आपको केसर का फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो।
हमने इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। लगभग 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेसिंग में। और यहाँ पर मैं आपको फास्ट फास्ट दिखा देती हूँ कि कितनी आसानी से कितनी जल्दी जल्दी ये गाढ़ा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं बीच बीच में बुलबुले इसमें निकलने लगे हैं, तो अगर हाई फ्लेम पे रखते हैं तो वो बुलबुले हमारे हाथों पर भी लग सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो गया है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होती जा रही है। मैं आपको पूरा वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे कि किस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। और अब यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से चेंज हो गई, लेकिन अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। हालांकि इसने पैन छोड़ना थोड़ा सा शुरू कर दिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और हमें पकाना होगा। यहाँ देखिए इसने पूरी तरह से पैन को छोड़ दिया है, ये देखिए। और जैसे अगर हम स्पून को घुमाएंगे ना, तो देखिए हमारे स्पून के साथ साथ ही घूमता जा रहा है, छोड़ नहीं रहा है स्पून को, स्पून के साथ में ही घूम रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। बाकी मैं एक और तरीका बता देती हूँ कि जिससे आप इसको चेक कर सकेंगे कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आया है या नहीं। हम क्या करेंगे, अपने स्पैचुला की सहायता से या स्पून की सहायता से हम थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेते हैं, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको चेक करना है। तो इसको हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि गर्म गर्म में इसकी कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए हम उंगलियों के बीच में इसको फिरा रहे हैं, तो ये फिर रहा है, चिपक नहीं रहा है हाथों में। अगर ये चिपक रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और पका लीजिएगा। अच्छे से चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी, फिर रहा है, गोली बन रही है। इसका मतलब ये परफेक्ट हो चुका है हमारी बर्फी बनने के लिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, जहाँ हमने लाइन किया था ना अपने मोल्ड को, उसके अंदर हमने लगा दिए थोड़े से पिस्ता से, हमने इसको गार्निश कर रहे हैं। नीचे की तरफ डालते हैं, इससे क्या होगा ये बर्फी में काफी अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो पिस्ता की जगह अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर इसको उसके भी किया जा सकता है। आप चाहें तो बर्फी बनाते टाइम इसमें थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा इसमें रिचनेस आ जाएगी। अब पूरे ही बर्फी के मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी बनती है। इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, पूरी बर्फी को हमने सेट कर दिया है और अब इसको हम जमने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी बर्फी बन रही है हम दूसरी बर्फी बना लेते हैं। तो हमने पैन को रख लिया है गैस पर, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, लगभग चौथाई कप जितना हमने घी डाला है। चौथाई कप में कितना टेबल स्पून होता है वो भी आप उस वीडियो में देख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध। बेसिकली हम यहाँ पर इंस्टेंट मावा बना रहे हैं, क्योंकि हम मावे का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टेंट मावा हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही घी और दूध मिक्स हो रहे हैं, इसके बाद में हमने डाल दिया है 1 कप जितना मिल्क पाउडर। इसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग अच्छे से। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को इस टाइम पर बंद कर दें ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े, और इसको अच्छे से पहले मिक्स करके फिर गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, हमारे चैनल पर जो गिव अवे चल रहा है, इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कल उसका रिजल्ट निकलेगा, तो फटाफट से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और कॉमेंट उसमें कर दीजिएगा। यहाँ देखिए हमने मावा को यानी मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता है हमें इसको लगातार चलाते रहना होगा। ये देखिए हमारी जो मावा है एकदम गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ही मिल्क पाउडर के साथ में, हमने 1 कप ही पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। चीनी को नॉर्मली हमने पीस लिया है मिक्सी में, वो ऐड कर दिया है। अब हम लोग शुगर और मावा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और जब तक शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, अच्छे से मिक्स नहीं होती है, हमें इसको लगातार मिक्स करना होगा। शुगर की मात्रा एकदम परफेक्ट है, 1 कप हमने मिल्क पाउडर लिया था और 1 कप ही हमने पाउडर शुगर लिया है। थोड़ी सी मात्रा, अगर आपको चीनी थोड़ी सी कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं, वैसे ही एकदम परफेक्ट होगी, ना कम है ना ही बिल्कुल ज्यादा है। तो हम यहाँ पर अच्छे से स्क्रेप करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर की जगह पर जो बूरा होता है ना घर पर हमारे, उसका भी यूज किया जा सकता है। फ्लेवर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, हम उसमें वही इलायची पाउडर ऐड करने वाले हैं, आप इसमें भी कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए हमारी शुगर अच्छे से मिक्स होती जा रही है, हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब देखिए आप इसमें थोड़े बुलबुले जैसे नजर आ रहे होंगे, बस स्टेज इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे, और जो हमने तिल पीस के रखा था ना, वो जो हमने 1 कप पीसा था वो वाला तिल इसमें ऐड कर रहे हैं, और जो पहले वाली जो रेसिपी थी ना उसमें हमने 1.5 कप वाला जो तिल था पीसा था वो ऐड किया था। तो वो मैंने आपको पहले आपको क्वांटिटी बताना भूल गई थी, तो 1.5 कप जितना हमने पहले दूध वाले मिक्सचर में यूज किया था, 1 कप वाला हमने इसमें यूज किया है।
जो साबुत तेल हमने बचा के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब सभी चीजों को क्योंकि हमने मिक्स कर दिया है तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक हमें पकाना होगा। तो लगभग 2 मिनट ही इसमें लगेंगे, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए इसको इंस्टेंट है। ये मिल्क पाउडर से बहुत ही इंस्टेंटली हमारी बर्फी ये बन जाती है, बस इसमें है मिल्क पाउडर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मिल्क पाउडर वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी ये मिल जाता है, तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैं इसको ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। अब देखिए लगातार चलाते हुए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और हमारे स्पून के साथ साथ में ये घूम रहा है अच्छे से। ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल भी जैसे हम शेप में ले रहे हैं उसी शेप में, ये उसी शेप को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये परफेक्टली बन चुका है। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसको भी सेट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसको भी सेट कर लेते हैं। तो हमारी ट्रे को हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था, उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। एकदम परफेक्ट बना है और इसको भी हम स्पून की सहायता से अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसमें हमने नीचे की तरफ नहीं डाला है, दोनों ही तरीके मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से इस तरह से सेट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे से भी सेट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बर्फी में किया था। सेट होने के लिए छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही स्पेशल स्पैचुला की सहायता से इसको भी हम सेट कर लेंगे। सारे जो ड्राई फ्रूट्स अंदर की तरफ हम इसको प्रेस कर देंगे। थोड़ी देर के बाद में हमारी बर्फी सेट हो गई। लगभग आधा घंटा लगता है इसको सेट होने के लिए। इसको हम आप चाहें तो फ्रीज में भी सेट कर सकते हैं, हमने रूम टेम्परेचर पर इसको सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसको टर्न कर लेते हैं क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया है तो इजीली ये डिमोल्ड हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये डिमोल्ड हो जाती है। और अगर आपको लगता है क्योंकि घी इसमें नीचे लगाया था ना तो घी जम जाता है, अगर ये नहीं निकल पाती है तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से हमारी बर्फी डिमोल्ड हो जाएगी। और ये देखिए बटर पेपर निकालने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सेट हो गए हैं बर्फी में। बस इसको हम कट कर लेते हैं, इसके पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है, और एक बर्फी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा ये सॉफ्ट बनी है, एकदम सॉफ्ट है। चलिए दूसरी बर्फी भी कट कर लेते हैं। ये जो बर्फी होती है ये भी उतनी ही टेस्टी होती है, मुंह में घुल जाने वाली होती है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है इसकी भी। यहाँ पर मैं आपको एक पीस इसका दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट बर्फी बनी है, हलवाई स्टाइल बिल्कुल लग, ये नहीं कह सकता इसको अपने घर पर बनाया, एकदम परफेक्ट टेस्ट है इसका, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए इसकी भी एक बर्फी मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है। और उसके बाद में आप इसको कब बना रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और आपको कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी बर्फी, मुंह में एकदम घुल जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिएगा गुड़, क्योंकि हम चीनी से नहीं बनाने वाले, इसको हम गुड़ से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा जो 250 ml का कप है उससे मैंने 3 कप ये गुड़ लिया है, और आप किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं ग्राम में आपको बता देती हूँ, तो ग्राम में अगर टोटल इसको नापेंगे तो 570 ग्राम हमारा गुड़ है। तो 570 ग्राम गुड़ है और कप से मैंने आपको बता दिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कप्स और ग्राम्स का पूरा मेजरमेंट बताया था कि अगर कप से आपको बताते हैं तो ग्राम्स कितना होता है, ग्राम से बताते हैं तो कप कितना होता है। तो वो आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी, तो उसी कप से नाप करके 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसका भी पूरा मेजरमेंट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वो रहने वाला है। गर्म पानी को ऐड करने के बाद में गुड़ को हम इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से गुड़ को हम हल्का सा टुकड़ों में तोड़ लिया है हमने, या फिर आप ग्रेट भी कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे कि गुड़ जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। लेकिन गुड़ के अंदर ना काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, आप देख रहे हैं काफी गंदगी गंदगी सी नजर आ रही है ऊपर से, तो उसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं जिससे पूरी गंदगी जो भी है वो ऊपर अलग से निकल जाएगी, हमारे बिस्किट के अंदर वो नहीं जाएगी फिर। ये देखिए हमने पूरे गुड़ को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा गुड़ का पानी तैयार हो गया है, और यहाँ हमने लिया है बाजरे का आटा। जी हाँ, जो क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में बाजरे की कुकीज तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने उसी कप से नाप करके 4 कप इसमें बाजरे का आटा लिया है, और ग्राम्स में देखेंगे तो 570 ग्राम ही यहाँ पर हमारे बाजरे का आटा है। उसके अंदर हमने लगभग 4 बड़े चम्मच सफेद तिल जो होते हैं ना उनको ऐड कर दिया है, कोई भूना नहीं है कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐसे ही हमने ऐड कर दिया है। पूरे 4 बड़े चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी धीरे धीरे करके। आटा और गुड़ की जो मात्रा है वो हमने दोनों की बराबर ली है, 570 ग्राम ही हमारा गुड़ था, 570 ग्राम ही हमारा आटा है। तो आप चाहे तो ग्राम्स में इसको आप मेजरमेंट करवा के मार्केट से लेके आ सकते हैं, या फिर आपके पास कप्स है तो आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए मेजरमेंट बहुत ज्यादा इजी हो गया ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हमने तिल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हमें क्या करना है, गुड़ का पानी मिक्स करते हुए हमें इसको गूंदना है। पहले हम स्पून से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा गर्म हो सकता है।
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि गर्म पानी मिक्स करने के बाद उसको रखना है तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप पानी और गुड़ को आपस में मिक्स करके और उसको गर्म भी कर सकते हैं, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम पहले हमने स्पून से मिक्स कर लिया और उसके बाद में हम इसको हाथों की सहायता से ही गूंदेंगे, क्योंकि नहीं तो इसका टेक्सचर का पता नहीं चलेगा और ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हमारे लिए टिक्की या बिस्किट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने फिंगर से पूरे स्पून पे जो हमारा आटा लगा हुआ था वो निकाल लिया है और अब फिंगर हाथों की सहायता से ही हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। एकदम ज्यादा टाइट आटा भी नहीं गूंदना और ऐसा भी नहीं कि एकदम गीला हो, बिल्कुल मीडियम सा ही हमें आटा गूंदकर इसका तैयार करना है, जैसे हम नॉर्मली कुकीज के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमें गूंदना होगा इसका। तो देखिए, मैं इसको हाथों की सहायता से इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही जो गुड़ का घोल है वो इसमें लग जाएगा। लगभग चौथाई कप लास्ट में बच जाता है, लेकिन वो बाद में यूज आ जाएगा। वो कैसे यूज आएगा वो मैं आके आपको वीडियो में बता दूंगी, इसी रेसिपी में वो यूज आ जाएगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ, एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करें नहीं तो खराब हो जाएंगी हमारी कुकीज। और ये कुकीज को ना बना करके एक मिनट तक आराम से स्टोर कर लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी गेस्ट को भी खिला सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी रहती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, साथ में गर्मी भी देती है तो सर्दियों में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ देखिए, हमारा आटा गूंद गया है, ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारा आटा गूंद गया है। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा लगभग चौथाई कप जितना हमारा ये सिरप बच गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें बाजरे का आटा मिक्स करके इसको फिर से कुकीज बना सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि ये जो आटा है ना जो हमने गूंदा है अभी, ये बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइट होने लगता है, तो हम बाद में इसको और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन मुझे इसका नेचुरल फ्लेवर ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ तीन चीजों से ही बन जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, इस तरह से अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हाथों में थोड़ा चिपकता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथों में थोड़ा सा चिपक जाता है, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा हाथों में चिपकता है और एक के बाद हम दूसरी बनाएंगे तो थोड़ी सी चिपकने लग जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो थोड़ा सा तेल का या फिर थोड़ा सा पानी का हाथ इसमें लगा लें, उसके बाद जब हम कुकीज बनाएंगे ना तो आप इसमें कोई भी डिजाइन बना लें अच्छे से, फिर उसके बाद ये चिपकता नहीं है। तो पानी का हाथ आप लगा लें या तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऑयल का हाथ भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का मैंने एक सिंपल सा डिजाइन बनाया है पहले, तो मैं आपको और भी इसमें डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी कि अगर आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से इजिली इसको बना सकते हैं। इसमें अलग अलग शेप्स भी आप बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने बिल्कुल सिंपल जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है वो डिजाइन है और जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल सिंपल वाला, ये हमने बना लिया है। इसके बाद मैं और भी आपको डिजाइन इसमें बना करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम सिंपल सा। बेक होने के बाद में, मतलब जब इसको फ्राई करेंगे, आप इनको बेक भी कर सकते हैं वैसे तो, पर हम लोग फ्राई करने वाले हैं, तो फ्राई करने के बाद में ये और भी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से क्रैक्स आ जाते हैं, वो क्रैक्स से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और डिजाइन दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको गोल कर लिया है, पहले थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेते हैं, थोड़ा चिपचिपा सा है, इस तरह से हमने इसको गोल कर लिया है। और देखिए, मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ कि इसका डिजाइन हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, इस तरीके का झारा अधिकतर सभी के घर में होता है, मोस्टली सभी के घर में ये झारा मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तेल से इसको लगाया है पिट्टी पर, तो इसको पीछे की तरफ से हम इस तरह लगाएंगे और इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे हाथ से और उसके बाद निकालेंगे इसको। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन हमारा बन गया है, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए, इस तरीके की आप टिक्की इसमें बना सकते हैं, बनने के बाद भी, फ्राई होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए, मैं और भी आपको डिजाइन बना करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, पहले वैसे ही मैंने एक और बना लिया है पेड़ा, और इसको हम अंदर की तरफ आप प्रेस करेंगे। हालांकि जो दोनों डिजाइन है थोड़े थोड़े से सेम होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लगता है, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हमको नजर आएगा, क्योंकि इसमें बीच में सर्कल जैसा बनता है, इसमें नहीं बनता है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों ही डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो आप बैक साइड से या फिर फ्रंट साइड से दोनों से ही आप बना सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है अगर हम ध्यान से देखें तो, बाकी दोनों ही डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको एक और डिजाइन बना करके दिखाती हूँ। तो उसी तरीके का पेड़ा हम लोगों ने फिर से बना लिया है, और देखिए मैं आपको एकदम जो बिल्कुल कुकी जैसा लगेगा ना, बिल्कुल वही वाला डिजाइन आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हमने इसको साइड से कट कर लिया, बिल्कुल आप प्लेट में रख के कीजिएगा, हाथ में मत कीजिएगा, कहीं चोट ना लग जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट किया और हमने इसको चारों तरफ से अच्छे से कट कर लिया है ना। एक्स्ट्रा को हम वापस से इसमें ऐड कर लेंगे, चारों तरफ से हल्का सा प्रेस कर देते हैं, एकदम इवन हो जाएगा जिससे ये। और उसके बाद में आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो अब इसमें और थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें लाइंस बना रहे हैं, नाइफ की बैक साइड से बना रहे हैं, फ्रंट साइड से बनाएंगे ना तो ये कट जाएगा आगे से,
इसलिए बैक साइड से बना रहे हैं। ये देखिए, आप चाहे तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। तो एक तो ये डिजाइन हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मैं एक और डिजाइन आपको बताती हूँ। ये देखिए, बैक साइड से इस तरीके से फिर से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। और देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा डिजाइन। जब आप इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे ना, तो ये नहीं कोई कह सकेगा कि ये टिक्की है या कुकी नहीं है, या इसको हमने फ्राई किया। बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम कुकी को डालेंगे ना ऑयल के अंदर, तो ऑयल हमारा गर्म होगा उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, है ना। यानी लो मीडियम फ्लेम पर, या तो आप मीडियम फ्लेम कर दें और फिर मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करते रहें। पहले हम एक डालकर देख लेते हैं कि कहीं वो फट तो नहीं रही है। वैसे फटेगी नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा पाउडर, मॉइन वगैरह कुछ नहीं डाला है। एकदम सिंपल तरीके से बनाई है, जो फटाफट से बन जाती है। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम डिजाइन वाली बनाते हैं ना, तो जिस साइड हमने डिजाइन बनाया है उस साइड को हमें तेल के अंदर की तरफ करना है। इससे डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के निकलता है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है। अगर आपका तेल बहुत गर्म है तो एकदम लो फ्लेम कर दें, और मीडियम गर्म है तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पहले नीचे से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में इनको पलट देंगे। देखिए, नीचे से फ्राई हो गई है, तो इनको हम पलट देते हैं, और आप देख रहे डिजाइन कितना ज्यादा खूबसूरत से निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम बाकी की कुकीज को भी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, और बहुत ही हल्की हल्की आंच से आपको करना है, नहीं तो ये बिखर जाएंगे ऑयल में ही। और ये देखिए, फ्राई होने के बाद में ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जो बिल्कुल सिंपल वाली मैंने बनाई थी ना, जो मेरी फेवरेट है, ये वो वाली है। आपको डिजाइन वाली भी दिखाती हूँ कि वो बनने के बाद में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, जो डिजाइन हमने बनाया था, कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बिल्कुल बिस्किट जैसा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है। और ये देखिए, सारे ही डिजाइन हमारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे बनने के बाद में। ये देखिए, एकदम कमाल के हमारे बिस्किट बनकर तैयार है। गर्मा गर्म चाय के साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, शाम के स्नैक्स के रूप में, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। आप अपने किसी गेस्ट को भी खिला करके सरप्राइज कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा टेस्टी, सच में यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों को बेहद बहुत ज्यादा पसंद आती है। सर्दियों का वक्त है, बना करके एक बार रख लीजिए, एक महीने तक आराम से निश्चिंत हो जाइए, और शाम के स्नैक्स में आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज को पाने के लिए। बाय बाय।